दो ही तो लाए थे क्या? 10 काम आए। अरे तो 2 काम है बार मेलने के लिए ताकि कहीं कटवट न लगे। अच्छा अच्छा ए पगले हेलो दोस्तों नमस्कार, पहला राम राम। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी दिन का समय है, टाइम लगभग हो चुका है, दिन के 4 बज चुके हैं। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों जैसे कि मानसून दस्तक दे चुका है और पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यू बारिश हो रही है और चारों तरफ जो है पानी पानी हो गया है और आज ही थोड़ा सा धूप के दर्शन हुए हैं। और जबकि सुबह सुबह जो है ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, उठते ही एकदम झमाझम बारिश हो रही थी। तो डेली एक टाइम तो बारिश हो ही रही है लगातार, कभी सुबह कभी शाम तो कभी रात में। और आज काफ़ी दिनों बाद कपड़ों को धोने और सुखाने का मौका भी मिला है क्योंकि रोज़ कंटिन्यू जो है बारिश ही हो रही थी। और यहाँ पर आज प्रियांशु ने भी अपने सारे स्कूल के जूते धोकर सुखाने डाल रखे हैं ये, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है और चटक है। और जैसे कि एक हफ्ते से कंटिन्यू बारिश हो रही है तो चारों तरफ जो भी खेत खलियान है वो जो है लबालब पानी से भरे हुए हैं। और अब धीरे धीरे धान लगाई भी स्टार्ट हो गई है तो इसीलिए खेतों में मेड़ वेड़ सब डल चुकी हैं और बारिश भी अब अच्छी खासी हो गई है। तो अब धीरे धीरे जो है धान लगाई जोर पकड़ेगी। और इधर हमने लक्ष्मी के लिए चारा बोया था तो ये भी पूरा तालाब बन चुका है। और इस वाले में हमें चारा बोना था तो पिछले 1 हफ्ते से कंटिन्यू बारिश होने की वजह से बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाया इसमें चारा बोने के लिए। तो इस वजह से इसमें भी काफ़ी बड़ा बड़ा घास हो गया है तो अभी इसी को काट काट कर खिला रहे हैं। और धूप आते ही पसीना निकलना भी स्टार्ट हो गया है क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है तो ऊपर से पड़ रही है एकदम तेज़ धूप तो उस वजह से उमस टाइप की हो रही है। और यहाँ पर लक्ष्मी का चारा सुखाने के लिए डाला हुआ है क्योंकि ये सारा पानी में डूब गया है तो इसलिए काट काट कर इस तरह से इसको सुखाते हैं और उसके बाद जो है कुट्टी बनाते हैं। ले आप तक में बाहर क्यों आया? इसको भी धूप सेकना है इसको भी धूप सेकना है। मस्ती सारी तुम्हें धूप आने से। मोटे चल हो गया, लाड़ प्यार इतना बहुत है। ए डमरू क्या कर रहे हो बेटा? और ये है हमारा डमरू। तो डमरू काफ़ी बड़ा हो चुका है तो इसको तो जब भी इसके पास आओ कहता मुझे खुजलाओ, मुझे लाड़ प्यार करो हैं। चलो डमरुआ कहीं का डमरुआ, तो हमने इसका नाम रखा है डमरू। बहुत प्यारा बच्चा है ये, बहुत ही प्यारा और समझदार है हमारा डमरू तो आजकल ये भी बारिश में खूब नहा रहा है। सुबह सुबह इसने जमकर नहाया है इसलिए चमक रहा है। खुजली तो की खुजली है, फुटुआ। चलो और इधर लक्ष्मी भी आराम फरमा रही है, चारा वारा खा दिया सब हैं। और ऊपर चल रहा है पंखा। ठीक है बाय बाय, अब आराम करो। ठीक है आराम करो। तो थोड़ी देर बाहर क्या गया, पसीने से तरबतर हो गया। तो बाबर की गर्मी तो कुछ ऐसी ही होती है आजकल, खासकर जब धान लगाई का समय होता है। गर्मी के साथ साथ उमस भी शुरू हो जाती है। तो क्या कर रहा है? तो प्रियांशु का भी स्कूल खुलने वाले हैं तो तैयारी में लगा हुआ है, कल से स्कूल जाएगा है। हाँ। तो 1 महीना ऐसे निकाल दिया इसने मौज मस्ती घूमने फिरने में है। और हाइट मेरे बराबर हो चुकी है, थोड़ी बच्ची नहीं पूरी आ गई है ना। तो जब पापा के कपड़े, पापा के चप्पल, पैर मांगे कपड़े नहीं, तो समझो जिम्मेदारी उठाने का समय आ चुका है, समझदार होने का समय आ चुका है, समझे? हाँ हो गर्मी। और श्रीमती जी यहाँ आराम फरमा रही हैं अपने दैनिक क्रियाकलाप पूरे करके। क्या देख रही हूँ मैं है? तो यहाँ किसी का ब्लॉग देखा जा रहा है, यहाँ फूड ब्लॉग देखा जा रहा है, लग रहा है आज कुछ स्पेशल खाने को मिलने वाला है? अरे जो देख रही हो वो बनाना है, इतने ध्यान मग्न होके देख रही हो तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। पसीना नहीं होगा फिर? बाहर कितनी गर्मी हो रही है। अरे बाहर हो रही है, अंदर थोड़ा हो रही है, बाहर धूप आई है, चटाक धूप आई है, उमस हो रही है। तो थोड़ी देर जो है पंखे की हवा ले लेता हूँ। अरे सुबह सुबह तो काफ़ी बारिश हुई और उसके बाद बहुत सारे कामकाज थे वो निपटाए, अब जाके फ्री हुआ हूँ। तो पानी डाल के नहीं आ रहा हूँ, पसीना हो रहा है वास्तव में, बहुत गर्मी हो रही बाहर, कभी छाया आ रही, कभी धूप आ रही है। अरे दीदी के वहाँ जाना था, जीजा जी बुला रहे थे, कुछ काम है करके, लेकिन इतनी धूप हो रही कि हिम्मत नहीं हो रही जाने की। थोड़ी देर में जाऊँगा, थोड़ी सी धूप मंद हो जाएगी। तो जलेबी जलेबी कुछ नहीं खानी है, तो आम खाओ, आम का सीजन है, बहुत खा लिया, कोई बात नहीं, और खाओ। जलेबी कौन खाएगा ऐसे में, बीमारी की जड़। तो आइसक्रीम ले आना ना, डब्बा आएगा। कितनी आइसक्रीम खाएगा? 10 डिब्बे तो तू खत्म कर गया, 1 किलो वाले हैं। दो ही तो लाए थे, क्या 10 का लाए? अरे तो 2 कम है, और छोटे आइसक्रीम तो तुम रोज ही खाते हो, तो छोटे तो 1 किलो नहीं। ये चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, ये बहुत नुकसानदायक होती है। ना 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 ना, देखो स्वाद को छोड़ो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ो, विवाद, मेरी बात सुन, स्वाद को छोड़ो तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ो तो संबंधों को फायदा है ना। इसलिए लाइफ में स्वाद और विवाद दोनों छोड़ दो। जिस चीज़ से स्वाद आता है, खाने का मन करता है, उसे तो बिल्कुल खाओ ही मत, वो बहुत नुकसानदायक है। हाँ हाँ, वो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि जो है ना शरीर हमारा क्या है, जो चीज़ आसान होती है उसकी तरफ भागता है। अच्छी चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसलिए अच्छी चीज़ें खाओ, नेचुरल चीज़ें खाओ। ये क्या है, आइसक्रीम, मोमो, फोमो, चाउमीन, कौन खाता है? ये नहीं खाते हैं, भूल जाओ इनको, दोनों भूल जाओ। तो प्रियांशु यहाँ जलेबी की जिद कर रहा है और श्रीमती जी कह रही हैं चाय पत्ती लाना, चाय पत्ती लाना। तो दोनों की अलग अलग प्रॉब्लम है, अलग अलग डिमांड है। तो फिलहाल सूर्य देवता के आगे एक बड़ा सा बादल का टुकड़ा आ गया है, तो इस वजह से थोड़ी सी छाया आ गई है। और छाया आते ही मैं आ चुका हूँ बाहर और सीधे पहुँच चुका हूँ छत पर, क्योंकि यहाँ से जो बारिश होने के बाद व्यू आ रहा है ना, ओए होए होए क्या शानदार व्यू आ रहा है चारों तरफ। तो एक हफ्ते से जो कंटिन्यू बारिश हो रही है, उस वजह से तराई भाबर के गांव का व्यू कुछ इस तरह से दिख रहा है। और जैसा कि तराई भाबर में धान जो है पूरे साल भर उगाए जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ अभी भी हो रहा है। कहीं पर धान लगाई चल रही है, कहीं पर पौध रखी हुई है, यानी बीना रखा हुआ है, और कहीं पर खेत बन रहा है, कहीं पर धानों में बालियां आ रही है, कहीं पर धान कटने को रेडी हैं, और कहीं पर धानों की कटाई हो रही है, और कहीं कहीं पर जो हरियाली दिख रही बीच बीच में, तो वो जानवरों के लिए चारा बोया हुआ है, और कहीं कहीं पर जो वो उधर हरियाली दिख रही है सामने, तो वहाँ धान की फसल लगभग तैयार हो चुकी है, तो वो कटने को रेडी है। और इधर जो तालाब जैसे दिख रहे हैं, तो ये खेत बनाए हुए हैं धान लगाने के लिए, और कुछ खेतों में धान लग भी चुके हैं, और बाकी जो खाली खेत हैं उनमें धान लगने हैं। बाकी जो इधर हरे हरे दिख रहे हैं, तो इनमें धान लगाए हुए थे, इनकी कटाई हो चुकी है, और वहाँ पर जो है धान पक रहे हैं, कहीं कहीं पर जो हरियाली दिख रही है। तो इस तरह का कुछ मौसम और माहौल हो रहा है आजकल। तो जहाँ एक तरफ धान लगाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ धान कटाई भी चल रही है। आ गए हो घर वालों? अरे कौन तुमको मेरे को? रोए बहाने दी पहला। हाँ बढ़िया। पिंजू कहाँ है? अच्छा तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ दीदी के घर। यही पहला कहाँ दूध लेने? तो फिलहाल मैं आया और जीजा जी चल दिए दूध लेने। तो फिलहाल दीदी पानी ले आइए और साथ में ले आइए ये सेब काट कर। तो भाई अंधेरा हो चुका है चारों तरफ, एकदम घना सा। लगभग 8 बज चुके हैं। तो दीदी के साथ जीजा जी के साथ गप्पे मारते मारते समय का पता नहीं चला। तो काफ़ी दिनों बाद आया मैं आज इधर, तो इसीलिए बातचीत काफ़ी लंबी चल गई। तो फिलहाल अंधेरा हो चुका है और अब चलते हैं घर को। और ये श्रीमती जी ने जीजा जी को दरांथियाँ दी थी धार लगाने के लिए, तो ये जीजा जी ने धार लगवा दी है इसमें। तो इनको भी ले जाता हूँ। दीदी ला रही है अखबार इसमें मेलने के लिए ताकि कहीं कटवट ना लगे। मीठे है ना भैया? मेरे बाद आओगे सर? अरे हट जा ए पगले यार, क्या कर रहा होगा ऐसा? ये लो तुम्हारा सामान दराती। तो भाई पहुंच चुका हूँ घर और यहाँ श्रीमती जी का जो है भोजन बनने लग गया है। सब्जी वब्जी बन गई है, अब रोटी शोटी डाली जा रही है और बाकी सामान मैं ले आया हूँ। तो दोस्तों फिलहाल भोजन बन चुका है और इसमें ताज़े ताज़े आम भी कट चुके हैं, क्योंकि रोटी खाने के बाद आम खाने का मज़ा ही कुछ और है। और आज सब्जी बनी हुई है, ताकि बैगन की सब्जी बनी हुई है और साथ में है ताजी ताजी मट्ठा यानी छाछ। ओए होए 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 होए।